नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहाँ से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। अफजलगढ़ में ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। सवेरे ईदगाह पर नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम मोहल्लों में मेले जैसा माहौल रहा। बच्चों ने झूले एवं चाट पकौड़ी का जमकर आनंद लिया। सवेरे 7 बजे ईदगाह पर मौलाना मुख्तार अहमद ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई, जबकि जामा मस्जिद में मुफ्ती नईम अहमद ने नमाज अदा कराई। उन्होंने अकीदतमंदों से देश में खुशहाली व अमनो अमान कायम रखने की अपील की। सीओ अफजलगढ़ अर्चना सिंह, थाना अध्यक्ष पुष्कर सिंह मेहरा, तहसीलदार पवन शर्मा, पूर्व विधायक शेख सुलेमान, चेयरपर्सन पति जावेद विकार, पूर्व चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी एडवोकेट, मेंबर कलवा कुरैशी, सभासद डॉक्टर शाहिद हुसैन, पूर्व चेयरमैन नफीस कुरैशी, पूर्व चेयरपर्सन पति शेख इशाद हुसैन, मास्टर समीम अंसारी, खलील अहमद, कमालुद्दीन अंसारी आदि ने शहर इमाम व मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।